टिबेट चीन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है? सब्सक्राइब एंड स्टे अप टू डेट विद जियोपॉलिटिक्स विद आस्क अभिजीत क्लिप्स। देखिए, टिबेट इस समय चीन के बिल्कुल कब्जे में है, 1955 के आसपास से चीन के कब्जे में है और उनका कब्जा बहुत ही ताकतवर है, काफी स्ट्रॉन्ग कब्जा है चीन का टिबेट के ऊपर। और आज ये परिस्थिति है कि टिबेट में मेजॉरिटी चाइनीज लोग हैं, टिबेटन तो माइनॉरिटी बन गए हैं, इतने सारे हान चाइनीज टिबेट में आकर बस गए हैं कि टिबेटन सब माइनॉरिटी हो गए हैं और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब कुछ चाइनीज में है, हर चीज पूरा गवर्नमेंट मशीनरी चाइनीज में है, चाइना के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस भी है टिबेट में। तो इस इन सब चीजों का मतलब ये है कि चाइना का जो होल्ड है टिबेट के ऊपर वो बहुत ही मजबूत है। तो इमीडिएटली टिबेट को चाइना से मुक्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब चाइना, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो खुद वीक हो जाए और उनका चाइना के ऊपर से होल्ड कमजोर हो जाए। अगर ये परिस्थिति हो जाएगी तो टिबेट को चाइना से मुक्त करना शायद पॉसिबल होगा। और अगर इंडिया को नॉर्दर्न बॉर्डर में और वेस्टर्न बॉर्डर में अगर शांति चाहिए तो हमें टिबेट को मुक्त करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। तो इसके लिए एसेंशियली हमें पेशेंस की जरूरत है, हमें धैर्य की जरूरत है, धैर्य से धीरे धीरे काम करना पड़ेगा और अपनी खुद की जो ताकत है, भारत की इकोनॉमिक ताकत जो है और मिलिट्री ताकत जो है, उन दोनों को और मजबूत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आज है उससे कम से कम डबल ट्रिपल फाइव टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाकर हम टिबेट को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी तभी हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान है, मुझे लगता है कम से कम 20 साल तो जाएंगे ही ये पूरे काम करने में, क्योंकि इतने बड़े काम एक दो हफ्ते में नहीं होते, एक दो साल में नहीं होते, टाइम लगता है, समय लगता है। तो ये हमें करने की ज़रूरत है और तब जाकर शायद हम टिबेट को चीन से मुक्त कर पाए। टिबेट हिस्टोरिकली हमारा ग्रेटर इंडिया का हिस्सा हमेशा रहा है, हमारा जो कल्चरल और सांस्कृतिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें टिबेट का हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो हमें इसको वापस करने की ज़रूरत है, तो ये उसके लिए हमें खुद को पहले ताकतवर बनाना पड़ेगा।